तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ उसी नहर पे जहाँ पे मैंने आपको कहा था इसकी बहुत ही ख़तरनाक सी स्टोरी है। तो इसकी जो है मैं आपको आज सारी स्टोरी बताऊंगी कि इसकी क्या स्टोरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये है वो नहर और मैं इस टाइम शाम के टाइम आई हूँ। अभी मैं वापस अपने घर जा रही थी तो ये रास्ते में ही आती है नहर, तो सोचा कि इसकी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। मैंने आपको बताया था कि इस नहर की एक स्टोरी है, तो मैं आपको इसकी वो स्टोरी बताती हूँ। ये बहुत बड़ी नहर है, बहुत दूर तक ये जाती है, तो इसकी जो है स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो है रात के टाइम हम यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये जो ये है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा ये रोड है और इसके साथ ही ये नहर है। और इसके आप दोनों साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, और घर ना होने की वजह से यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर ये जो लगाए गए हैं ना, यहाँ पर ये जो पौधे हैं इनको इसलिए जला दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इसके पास जो हैं रात के टाइम या शाम के टाइम जो चोर हैं वो यहाँ पर छुप जाते हैं, और छुप कर तो फिर जब भी वो देखते हैं कोई गाड़ी यहाँ से गुज़रे तो यहाँ के जो रोड्स हैं कुछ टूटे हुए भी हैं, तो गाड़ी जो है वो ज़ाहरी बात है फिर जो स्पीड है वो कम हो जाती है, या अगर कोई मोटर बाइक पे है तो उसकी स्पीड भी जो है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो है जो चोर हैं या डाकू हैं वो जो हैं वो फिर अपनी वारदात करते हैं, और फिर ऐसा होता है कि जो उनके पास सामान हो, फ़ोन हो, पैसे हो, बाइक्स हो, वो भी ले जाते हैं। मतलब यहाँ पर इतना ही ख़तरनाक होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने जला दिया है। और यहाँ पर इसकी एक और स्टोरी है, वो ये है कि यहाँ पर बहुत से मतलब यहाँ से जो है लाशें जो हैं वो निकलती हैं, मतलब वो बहुत दूर दूर से भी आती हैं लाशें, मतलब किसी और शहर से जो जहाँ पर मार के फेंक देते हैं, फिर वो जो लाशें हैं वो तैर कर यहाँ से गुज़रती हैं। और यहाँ से काफ़ी लोगों ने जो है लाशें यहाँ से पकड़ी हैं। एक तो मैंने मेरे सामने भी ऐसे हुआ है कि मैं यहाँ से इस रोड से मैं गुज़र रही थी और एक और इस साइड पे एक छोटी सी नहर बनी है, ये तो बड़ी नहर है ना, और अभी ये चल भी रही है और यकीन करें ये इतनी ख़तरनाक है, मुझे इसके पास खड़े होते हुए भी डर लग रहा है। और इस नहर पे जो है दो लाशें जो हैं यहाँ से निकली थी, और एक बार मैं यहाँ से रोड से गुज़र रही थी और वहाँ पर मैंने देखा था कि एक आदमी की लाश निकली थी, और वो लाश इतनी बड़ी थी, मतलब इतनी मोटी हो चुकी थी पानी में रह रह कर कि उसको पहचानना जो है वो मुश्किल था। लेकिन उसके बाजू पे जो है, उस लाश के बाजू में उसका नाम जो है वो लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें पता चला इसका नाम ये है, और उसके गले में जो है वो रस्सी बंधी हुई थी। तो ऐसे ही लोग मार के फेंक देते हैं, तो ये जो है बहुत ख़तरनाक है। इसलिए कोई भी ऐसा रास्ता हो तो आप एहतियात किया करें, एहतियात से आप घर से निकला करें और टाइम से निकला करें। और मैं भी अब चलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी हमने लाहौर के लिए जाना है, सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सफ़र भी दिखाती रहूँगी मोटरवे का कि अब हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या करने लगे हैं। और हम लाहौर सियालकोट मोटरवे से हम जाएँगे, वहाँ से हम जाते हैं सियालकोट मोटरवे से। तो चलें अब मैं सफ़र जो है अपना स्टार्ट करती हूँ। मैंने और इसकी जो स्टोरी है और भी है, वो मैं डिटेल में मैं बताऊँगी नेक्स्ट टाइम जब मैं गाँव आऊँगी। तो इस नहर की जो बाकी स्टोरी है और इस नहर को मैं अच्छी तरह आपको दिखाऊँगी जहाँ से पानी इतनी स्पीड से गुजरता है, मतलब। तो अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं लाहौर के लिए, और यहाँ के मैं आपको रास्ते भी जो है वो दिखाती रहूँगी, आपको वीडियो बनाती रहूँगी, आपको साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी। और इसकी एक बहुत ही मतलब ख़तरनाक सी और भी स्टोरीज़ हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे वाकये हुए हैं इसी रास्ते पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं गाऊँगी। अब हम टायर शॉप में आए हैं, मैंने कहा कि गाड़ी में जो टायर है टायरों में हवा चेक करवा लूँ, तो उसके बाद पूरी हवा, चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल जो है वो डलवाएंगे और फिर इसके बाद हम मोटर पे जाएंगे। कितने हुए भाई? 20 रुपये। तो चले, हमने जो है हवा टायर में जो है वो फुल करवा ली है, किसी टायर में कम थी किसी में ठीक थी, तो अब पेट्रोल डलवाते हैं और फिर हम चलते हैं। बस मोटर वे तक तो पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। ये देखिए, गांव में निषाद की जो है आउटलेट है यहाँ पर, और MCB बैंक भी है, ATM भी है, और रोड्स यहाँ पर देखें यार कितने ख़राब हैं। अभी बस मैं जाऊँगी मोटरवे तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर इतना वीरान हो जाता है ना यहाँ पर सब कुछ, बहुत ज़्यादा। अभी तो यहाँ पर लाइट्स हैं ना, तो इसलिए आपको
लगा कि यहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा मतलब अजीब सा सुनसान सा रोड हो जाता है। तो जैसे जैसे हम देखें ऐसे जाते जाएंगे तो सुनसान सा रोड आता जाएगा, इसलिए जो है गांव के रास्ते जो है वो ख़तरनाक होते हैं, इसलिए टाइम से निकलना पड़ता है। मैं बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वो गाड़ी में जो है टायर में हवा चेक करवानी थी और पेट्रोल वगैरह डलवाना था, तो रोड्स थोड़े ख़राब हैं, गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है। और यहाँ पर वैसे भी आगे ना रोड बन रहा है, तो यहाँ पर तो अगर रश ना हुआ तो जल्दी चले जाएंगे, अगर रश हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा। वही बात हुई जो मैंने कहा था। अब यहाँ देखें यहाँ पर क्या हो रहा है काम, और ये देखें यहाँ पर वो मिट्टी डाल रहे हैं और यहाँ से रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, तो थोड़ी देर के बाद अब गुजरेंगे। शुक्र है ये चल रहे हैं, तो अब देखते हैं। देखें अब हम बस यहाँ से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्र है ये देखें चल चुका है, अब हम भी यहाँ से चलेंगे। शुक्र है ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वरना यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। इससे आगे भी जो है वो रोड बन रहा है, वहाँ से भी रोड टूटा हुआ है, बस वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक ना हो। चलें अब फिर यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक हो रही है यार, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। क्या करें, यहाँ से और कोई रास्ता भी नहीं है जाने का, यही मोटरवे पे जाता है रास्ता। तो मैं जो है ट्रेवल मोटरवे से ही करती हूँ, जीटी रोड से मैं बिल्कुल भी नहीं करती। वहाँ पर जो है ना एक तो रोड्स बहुत ख़राब होते हैं और वहाँ पर वो जो है ट्रक्स वगैरह बहुत होते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ से बस निकलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे हम कैसे सफ़र करते हैं। ये देखें अब हम बस मोटरवे पर जो है हम पहुँच चुके हैं। अब बस यहाँ से एम टैग जो है वो मैंने लगवा लिया था अपनी गाड़ी में ना, तो अब जो है हमें यहाँ से कोई कार्ड कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए अब ये ओपन हो चुके हैं क्योंकि एम टैग लगा है, एम टैग की वजह से। और एम टैग को जो है मैंने रिचार्ज भी कर लिया था, इसलिए मैंने रिचार्ज कर लिया था ताकि जो है फिर कोई मसला ना हो, रुकना ना पड़े। तो अब देखिए हमारा जो है मोटरवे का सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है, और अब जो है यहाँ पर मैं ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, और इसके बाद जो है हम कहीं अगर स्टे करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, या मैं अब्दुल वहाब को कहूंगी कि जो थोड़ी सी वीडियो है वो बनाता रहे, तो वो बनाता रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो ये देखें अब्दुल वहाब जो है वीडियो बना रहे हैं। अभी जो है हम हिरन मीनार हमने अभी क्रॉस किए, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला रही, मैं थोड़ी स्पीड जो है कम ही है, तकरीबन 80-90 में मैं गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है, इसलिए जो है मैं स्पीड जो है वो नॉर्मल पे ही है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अभी जो है अभी सफ़र बहुत ज़्यादा है, अभी तो तकरीबन हमें एक घंटा या डेढ़ घंटा लग जाएगा अगर मैं इसी स्पीड में जाती हूँ। तो बस दुआ करें कि हम खैरियत से इंशाल्लाह घर पहुँच जाएँ। तो फिर इसके बाद जब हम सियालकोट मोटर में पहुँचेंगे और उसके बाद रिंग रोड, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितनी देर में पहुँच। अब हम पहुंच चुके हैं सियालकोट कालाशाह काकू मुरीद के जो मोटरवे है, हम उधर तक अब पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें जो है कितना टाइम लग जाएगा तकरीबन अब्दुल वहाब, मेरा ख्याल है अब मज़ीद हमें एक घंटा तो है घर तक हमें लग जाएगा, या शायद हमें लाहौर रिंग रोड तक हमें इतना टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ तक तो मैं पहुँच चुकी हूँ, अब यहाँ से जो है बहुत टाइम लगेगा। जाएंगे एक साइड पे सियालकोट होगा और दूसरी साइड पे लाहौर होगा, तो हम लाहौर वाली साइड पे टर्न कर लेंगे। हम कालाशाह काकू टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है एम टैग एक्सप्रेस लेन है, तो हम इधर ही हैं अभी। यहाँ पर लगता है जिन लोगों का एम टैग नहीं लगा वो भी इसी लेन में आ चुके हैं, इसकी वजह से ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। देखिए अभी भी हम इधर ही हैं, इतना टाइम इस लेन में लग रहा है, लेकिन चले कालाशाह काकू तक तो हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है बस थोड़ा सा सफ़र और होगा, फिर उसके बाद जो है लाहौर रिंग रोड आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है घर इंशाल्लाह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। डर लगता है इसका एम टैग नहीं है, लो बैलेंस है ना, लो बैलेंस है उसका, लो यार ये क्या बात है, फ़ायदा तो नहीं ना वो होता है इससे इतने लोग। शुक्र है मैंने रिचार्ज किया था ना, फायदा हो गया। तो हम
शाकाकू टोल प्लाजा जो है हमने क्रॉस कर लिया है। इसके बाद ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर लाहौर रिंग रोड का जो है लिखा हुआ है। अब हम बस यहाँ पर ही रहेंगे, एक साइड पे सियालकोट आएगा और एक साइड पे जो है वो लाहौर रिंग रोड है, तो हम बस इसी रास्ते में रहेंगे। इसका मतलब है बस हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। जब हम रिंग रोड पर पहुँच जाते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है, इतना सुकून मिलता है कि ऐसा लगता है हम अपने घर पहुँच चुके हैं। तो बस अब मेरा ख्याल है कोई 35 to 40 मिनट में हम इंशाल्लाह अपने घर में, हो सकता है इससे पहले हम पहुँच जाएँ। तो चले अब जब हम लाहौर रिंग रोड पर पहुँचते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कितनी देर में पहुँचे। चलो अब हम पहुँच चुके हैं रिंग रोड पे। अभी बस यहाँ पर हम 45 रुपीज़ पे करेंगे। यहाँ पर एमटेक जो है वो कह रहे हैं नहीं चलेगा, वहाँ पर सामने इन्होंने लिखा भी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास जाके, और यकीन करें मैं इतना थक चुकी हूँ ना जिसका कोई हिसाब नहीं। रात के टाइम जो ड्राइव करना है ना वो बहुत मुश्किल है। तो बस आज थोड़ा सा हम लेट निकले थे, एक थोड़ा सा काम करना था गाँव में, तो बस घर से निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। और नहर की थोड़ी सी मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर भी थोड़ा सा टाइम लग गया। वो जूम करो वो वाली एम टैग, यहाँ पर नहीं चलती ये, हाँ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर एम टैग नहीं चलता, तो हम यहाँ पर पे कर देंगे। फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं। घर हम तकरीबन रिंग रोड के बाद हम 15 मिनट में जो है हम घर पहुंच चुके हैं, और मैं इतना थक चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बस बैठ के रेस्ट करूँ, उसके बाद मैं नहा के फ्रेश हो के फिर कुछ खाऊँगी, और जब तक चाय ना पियो ना तब तक जो है ना सुकून नहीं आएगा। तो अब जो है रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह रमज़ान की जो है हम तैयारी करेंगे, और बहुत मज़े मज़े की मैं आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।